साल 2013 मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री पीड़ितों को छोड़ सैफई में माधुरी का डांस देख रहे थे। सरकार सैफई में थी, दंगा पीड़ित सर्द रातों में तड़प रहे थे। और कल जब किसानों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई तो योगी कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे, ऐसा क्या किया कि देश भर का विपक्ष मिलकर चिंगारी को शोला नहीं बना पाया। हम जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट को कुछ तथाकथित ज्ञानी नहीं देख पाएंगे, उनकी आत्मा तड़प जाएगी। योगी से इस्तीफा मांगने और किसानों के नाम पर नकली आंसू बहाने का प्लान योगी ने कैसे महज 20 घंटे में फुस कर दिया। सवाल उठता है कि घटना के बाद योगी कहां थे, क्या रात भर योगी नहीं सोए। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि रात 2 बजे योगी आदित्यनाथ यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। कुल घटना के 20 घंटे में से तकरीबन 10 घंटे की रात में यूपी सरकार ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिसमें विपक्ष तो पूरी तरह फंसा ही, यूपी को जलने से बचाया जा सका। अब आपको बताते हैं रात भर योगी ने कैसे अभेद रणनीति बनाई। 3 अक्टूबर को करीब 3 बजे की घटना है। योगी आदित्यनाथ ने 4 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे तक ही मामले को कंट्रोल में कर लिया था। उधर प्रियंका गांधी रात में ही हिरासत में ली जा चुकी थी। बाकी के नेताओं को घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। किसानों के नेता राकेश टिकैत को नहीं रोकने के लिए लिखित आदेश जारी किया गया। इसके अलावा राकेश टिकैत को भी लगा कि सरकार उनकी वैल्यू समझ रही है। राकेश टिकैत कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं करते कि सिर्फ 4 मौतें किसानों की हुई हैं, बल्कि वो कुल 8 मौत का जिक्र करते हैं। यानी राकेश टिकैत भी योगी के साथ नजर आए। जिसका मरा वो योगी से इस्तीफा नहीं मांग रहा था, न्याय मांग रहा था। लेकिन अखिलेश यादव घर बैठे बैठे ट्विटर पर योगी का इस्तीफा मांग रहे थे। घटना के कुछ घंटे बाद ही लखीमपुर खीरी को योगी ने अभेद किला बना दिया। कुछ घंटों में ही 3 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात कर दी गई। आसपास के जिलों में हजारों पुलिसकर्मी खड़े कर दिए गए। योगी खुद देर रात तक एक पुलिस अधिकारी से बात करते रहे। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ही देर रात तक अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे। सुबह होते होते विपक्ष की घेराबंदी हो चुकी थी। दुखद है कि यूपी के विपक्ष से योगी ने मुद्दा छीन लिया, लेकिन ये तो महीने का इंतजाम था, रोने धोने का प्लान था, गाने का और किसानों के हितैषी बताने का जुगाड़ था। 20 घंटे के भीतर योगी ने ऐसा खास प्लान बनाया कि विपक्ष को बेरंग लौटाया। योगी ने पंजाब के सीएम और छत्तीसगढ़ के सीएम को रोका, बाकी नेताओं को बेरंग लौटाया। ऐसा लगा जैसे यूपी में बारात बिन दुल्हन लौट रही हो। राकेश टिकैत ने कहीं भी कोई बयान ऐसा नहीं दिया जिससे चिंगारी भड़क सकती थी। रात भर कहते रहे कल रणनीति बनाएंगे और सुबह सरकार की रणनीति पे सहमत हो गए। यानी विपक्ष ने टिकैत के नाम पे जो मेला लगाया था, योगी ने टिकैत के साथ मिलकर विपक्ष के मेले का तंबू उखाड़ दिया। असल में मदद और न्याय का ऐलान कर एक तूफान की आहट को सुनामी बनने से रोक लिया गया। मतलब टिकैत ही सरकार की लाठी बनी और विपक्ष को खदेड़ने का हथियार भी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।